बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजजी महाराज के अभिन्न अंग लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। धाम धनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर बरस रही है। उनकी कृपा से ही हम ये सुख ले पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जैसे ही लाइव चर्चा शुरू होती है, हमारे लंदन से वीरू भट्ट जी, हमारी यूएस से अनीता जी पटेल, हमारी दिल्ली से श्री रामराज जी गर्ग, मंजू जी गर्ग, जो जिन्होंने पूरी बीतक को दिल देके सुना, और हमारी श्वेता जी दिल्ली से, हमारे किट्टू जी जयपुर से, और हमारे अरुण जी भावसार कनाडा से, और हमारी अनीता जी अफ्रीका से। लाडले सुंदर साहिब जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए हम पहले वंदना बोलते हैं। सभी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जो मंदिर है, जहाँ पे उनकी अपनी गादी है, ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का ध्यान हम उस मंदिर में ही करते हैं, निजानंद स्वामी जी का, है ना। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए, श्री जी साहिब जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने चित्त को जोड़ना है। सुंदर साहिब जी, अपनी सुरता को बांधना है धनी के चरणों में। एक पल के लिए भी सुरता लग जाती है ना धनी के चरणों में, तो वो करोड़ों गुना जप तप ध्यान का फल एक पल के अंदर मिलता है। ऐसे चरण कमल हैं धाम धनी के, है ना। क्योंकि चित्त खेच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन, क्यों कहूं सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन। जब हम धनी के चरणों का ध्यान करते हैं ना, हम धनी के चरणों को सोचते भी हैं ना, आत्मा के अंदर अनुभव करना शुरू करते हैं ना कि श्यामा जी के चरण कैसे होंगे, श्री राज जी के चरण कमल कैसे होंगे, है ना, सतगुरु जी के चरण कमल कैसे होंगे। तो जैसे सोचना शुरू करते हैं ना सुंदर साहब जी, चरण कमल वो चरण कमल में नरमाई है, खुशबू है, शीतलता है, ये पांच गुण जो है ना, इनको ही हम ध्यान में रख के चरणों में प्रणाम करें ना, तो हमारी आत्मा खिंच जाती है, हमारा मन धनी के चरणों में जाके फिर जुड़ जाता है, फिर वापिस नहीं आता, है ना सुंदर साहिब जी। आइए हम सभी वंदना प्रारंभ करें। श्री वंदो सती गुरु चरणिको, करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूरण रूप, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठ सरू। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं,
बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए हम अपने सुरता को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में लेके चलते हैं, जहां हमारे श्री जी साहिब जी साक्षात स्वरूप में विराजमान होके 11 वर्ष तक वाणी चर्चा, ब्रह्म रस, राज रस, प्रेम रस, सुंदर सात को पान कराते हैं। हम अपने चितवनी से देखें कि 5000 सुंदर सात दोनों बाजू भर के बैठा है श्री बंगला जी के अंदर, और शिरजी साहिब जी तखत पर विराजमान हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि लाडले सुंदर साहब जी श्री प्राणनाथ जी सही 9 बजे तखत पर बैठ जाते हैं वाणी चर्चा करने के लिए। हमें तो चितवनी करनी है ना, हमें तो ध्यान करना है ना कि हम 5000 सुंदर साथ के बीच में बैठे हैं, और शिरजी साहिब जी इस समय तखत पर विराजमान हैं हम आत्माओं को जगाने के लिए, हमें पहचान कराने के लिए, क्योंकि खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार ये ही तो किताबें उतरी माना, तो इन किताबों का महारस पिलाया है। आज हम सागर ग्रंथ पे चर्चा कल से शुरू की है सुंदर साहब जी, वो भी 5वां सागर इश्क का है ना, गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अर्श रूंगे फकीर। तो लाडले सुंदर साहब जी आइए श्री बंगला जी में ही बैठ के शिव जी के चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। जब मेहर पिया करते हैं, आत्म निर्मल करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं तो दिल को अरश करते हैं, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। जब मेहर पिया करते हैं तो दिल को अरश करते हैं, जब मेहर पिया करते हैं आत्म निर्मल करते हैं, ये सागर तो मेहर का सागर है, निस्बत का सागर है। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे 5वां सागर पूर्ण, गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अर्श रुए फकीर। लाडले सुंदर साहब जी खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, इन चार किताबों के गुज रहस्य, टीका, परमंस, वाणी विशारद, चर्चनी सम्राट महाराज श्री जुवारदास जी ने इन चारों किताबों का टीका किया। जो हम सागर ग्रंथ पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये सागर ग्रंथ का टीका भी परमंस महाराज श्री जुवारदास जी के कर कमलों द्वारा किया हुआ है। ये चारों किताबें आप खरीदना चाहें तो अनिल पुस्तक भंडार, राजेश पुस्तक भंडार जयपुर में, उनके पास पूरा स्टॉक पड़ा है महाराज श्री जी की किताबों का। आप टीका किया हुआ खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार उनसे ले सकते हैं।
और कितने गुज रहस्य महाराज जी ने खोले हैं, महाराज श्री जी ने कितने गहराइयों के साथ एक एक चौपाई को खोला है। अगर रोज पांच चौपाइयां भी टीका किए हुए पढ़ोगे ना तो सुंदर साहब जी हम जाग जाएंगे, इतना आनंद है एक एक चौपाई के अंदर। अब हम कल सुन रहे थे कि पांचवा सागर है पूर्ण। महर्षि ज्वारदास जी इतना प्यारा टीका करते हैं इस पांचवें सागर का कि प्रेम का पांचवा सागर पूर्ण रूप से भरा हुआ है और ये सागर अथाह गहरा है, जिस सागर का गहराई का कोई पारावार नहीं है। प्याले इश्क दरियाव के पीवे अरश रूहे फकीर, कहते इसमें छिपे हुए प्रेम को कोई दूसरा नहीं जानता। प्रेम के इस गंभीर सागर के सुखों का आनंद वे ही आत्माएं लेती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ भौतिक सुखों का भी परित्याग कर दिया। जिन आत्माओं ने अपना सब कुछ अपने प्रीतम के लिए, अपने धनी के लिए कुर्बान कर दिया, वो आत्माएं आज इस सुख को ले रही हैं, है ना। इन रस को ए सागर पूरण जुगल किशोर, आप अक्षरातीत धाम के दुल्हा श्रीजी साहेब जी श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, इन रस को ए सागर, ये प्रेम रस का सागर प्रेम रस से भरा हुआ है पूरण जुगल किशोर, इसलिए इसको सागर कहा गया है क्योंकि ये परिपूर्ण जुगल स्वरूप के अंदर समाया हुआ है। ये इश्क का सागर कहाँ समाया हुआ है? जुगल स्वरूप के अंदर समाया हुआ है। ये इश्क हमें श्यामा जी से मिलेगा, ये इश्क हमें श्री राजजी महाराज से मिलेगा। दोनों के दिल के अंदर इश्क का सागर समाया हुआ है। ए दरिया सुख पांचवा लहरी आवत अति जोर, पांचवा प्रेम का सागर अति सुख देने वाला है सुंदर साहब जी, और हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगती हैं। और जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठती है ना, तभी ही आत्माएं सेवा के अंदर अपना तन मन धन कुर्बान करती हैं। जब हृदय में धनी के प्रति प्रेम की तरंगे उठेंगी ना, तभी हम तन से मन से धन से धनी की सेवा कर सकते हैं सुंदर साहब जी, ऐसे ही नहीं कर सकते। जब हम प्रेम के स्वरूप बन जाएंगे, है ना, फिर कहते हैं तन मन और वचन प्राण से पिया तेरी सेवा करूं मैं, तन मन और वचन प्राण से पिया तेरी सेवा करूं मैं, मेरी आत्म के हो प्रीतम तुम्हें शत शत नमन करूं मैं, मेरी आत्म के हो मालिक तुम्हें शत शत नमन करूं मैं, फरियाद करूं तेरे दर पे फरियाद करूं तेरे दर पे, गुनाहों से मुझे बचा ले आत्म के धनी हो मेरे श्रीजी साहब मेहरों वाले, आत्म के धनी हो मेरे श्रीजी साहब मेहरों वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल तू ही संभाले, आत्म के धनी हो मेरे श्रीजी साहब मेहरों वाले। जब आत्म को पहचान हो जाती है ना, कह रहे हैं ना महाराज श्री ज्वारदास जी लिख रहे हैं कि हृदय में प्रेम की तरंगे उठने के कारण ब्रह्म सृष्टि अधिक से अधिक सेवा में संलग्न रहती है, अधिक से अधिक सेवा के अंदर अपना आपा मिटा देती है, फिर तन से सेवा करती है,
मन से सेवा करती हैं, धन से सेवा करती हैं और अपने जीव तक को धनी के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं, कुर्बान करना चाहती हैं। अभी लाइव चर्चा सुनने वाली हमारे सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के लिए ऐसे गुप्त सेवा भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं लेना दीदी, हम परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी के चरणों में जगे हैं, हमें उन्होंने बीतक वाणी चर्चा सुना सुना के 2.5 वर्ष से जगाया है, है ना, तो हमारा नाम मत बोलना। हमारी यूएस में रहने वाली अनीता जी पटेल ने 5,000 रुपए सेवा भेजी सतगुरु महाराज श्री जी की इस बीतक वाणी चर्चा पे प्रसन्न होके, क्योंकि 2.5 नहीं अब पौने 3 वर्ष होने को आए। 6 अप्रैल 2020 से चर्चा शुरू हुई थी और आज तक सुंदर साथ सुन रहे हैं। 5,000 हमारे और किसी भाई ने लाइव भी तक सुनते हुए उन्होंने सेवा भेजी। एक 3 बहनें उन्होंने 2100 रुपए तीनों बहनों ने सेवा भेजी पेटीएम की कर रहे हैं सुंदर साथ। तो ये सतगुरु जी के चरणों में सेवा जा रही है। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी ने जिन्होंने हमें जगाया, जिन्होंने पहचान कराई, लाइव चर्चा सुन के भी सुंदर साथ अपना तन मन धन जीव कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि तन से कमाया हुआ पैसा बिना मन के सेवा में दिया नहीं जाता, है ना। जो तन के द्वारा मेहनत होती है और फिर मन के अंदर जब उमंगे उठती हैं सेवा करने की, तभी धन धनी के चरणों में दिया जाता है। तो ये सारे सुंदर साथ गुप्त रूप में ये बीतक वाणी चर्चा को घर बैठ के सुना, लाइव सुना, तो भी वो अपनी इच्छा के अनुसार सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के चरणों में सेवा भेज रहे हैं। तो जब आत्मा जग जाती है ना, आत्मा जागृत होती है ना, वो ही तन मन धन धनी के चरणों में कुर्बान करती है। और जब आत्मा सोई होती है तो हमारा तन मन धन जीव कुटुंब पे कुर्बान होगा, कबीले पे कुर्बान होगा। हम बेटे बेटियों के नाम FD करवा देंगे, हम बच्चों के नाम सारा पैसा छोड़ देंगे, पर आत्मा सोई होगी ना तो धनी के चरणों में समर्पित नहीं हो सकेगी। गोवर्धन भाई जागृत हुए सूरत के अंदर, सब कुछ लाके धनी के चरणों में रख दिया, है ना। राजा राम भाई ने सेवा करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना लिया, है ना। और महाराजा छत्रसाल जी ने तो तन मन धन जीव कुर्बान कर दिया। सुंदर साहब जी, धनी कहते हैं जब आत्मा जागृत होगी ना और अंग के अंदर उमंगे उठती है ना, जब तब कोई आत्म अपना तन मन धन जीव सतगुरु के चरणों में, धनी के चरणों में कुर्बान करती है। कुर्बानियों से आशिकों की होती पहचान है, क्योंकि तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। प्रेम और सेवा हमें परम धाम दिलाएगी सुंदर साथ जी, क्योंकि अंदर प्रेम प्रकट होगा, भाव प्रकट होंगे, तभी तो हम तन मन धन से सेवा करेंगे। और जब हम तन मन धन से सेवा करते हैं सतगुरु जी की, धनी जी की, तो धनी के पास फिर ये धन है, फिर उसको बीतक देंगे, फिर उसको वाणी देंगे, फिर उसे चर्चनी देंगे, उसे परम धाम देंगे। कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं, दीदी इतनी सारी वाणी चर्चा सुन सुन के भी हमारी आत्मा क्यों नहीं जागृत हो रही, है ना, हमें ये बीतक की चौपाइयों के अर्थ क्यों नहीं आते। तो कहते ए इशक ए इलम दौ अर्श परश तोलने वजन। श्री जी ने कहा इश्क और इलम, धनी पहले जितना आप इश्क डालते जाओगे उतना धनी प्रेम का वाट, जितना इश्क डालोगे उतना धनी इलम का तोल तोल के देते जाएंगे। हमें पहले धनी के चरणों में अपना सर्वस्व कुर्बान करना है सुंदर साथ जी, सतगुरु की सेवा में, धनी की सेवा में, है ना। तब धनी अपनी दौलत देंगे ना। यहां भी हम बाजार में जाएं, 10-10 हजार की साड़ी पसंद कर लें, पर वो 10 हजार की साड़ी हमारी कब होगी, जब हम उसकी कीमत चुकाएंगे। जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक हमारी वो वस्तु नहीं बन सकती,
ऐसे ही हम ब्रह्म ज्ञान की अगर कीमत नहीं चुकाते, अगर धनी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में सेवा नहीं करते ना सुंदर साथ जी, तो ये ब्रह्म ज्ञान हमारा नहीं बनता। कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसकी कीमत चुकाते हैं, फिर वो सामान हम उठा सकते हैं, है ना। ऐसे ही सदगुरु के चरणों में, धनी के चरणों में जब हम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रस का, इस ब्रह्म रस का जब पान करते हैं ना, जब आनंद लेते हैं ना, और वो आनंद आत्मा को कब मिलेगा? कुर्बानियों से आशिकों की होती पै है चैन है, कुर्बानियों से आशिकों की होती पै है चैन है, पिया जी की अंगना की यही पै है चैन है, खाते पीते खेलते ना छूटे धनी धाम है, है ना। वो तो अपने माशूक पर होती कुर्बान है, वो तो अपने सतगुर पर होती कुर्बान है, कुर्बानियों से आशिकों की होती पहचान है, कुर्बानियों से आशिकों की होती पहचान है, पिया जी की अंगना की यही पहचान है। लाडले सुंदर साथ जी, इन सभी सुंदर साथ ने सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के चरणों में सेवा भेजी है। धाम धनी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, सतगुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सुंदर साथ के हृदय में धनी ये अपना ब्रह्म रस भरें, ये ब्रह्म ज्ञान भरें। इति बैठे जागे घर धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम उनके लिए करें, है ना। ऐसी प्रार्थना है धनी के चरणों में। तो धनी जी कह रहे हैं, ए दरिया सुख पांचना लहरी आवत अति जोर, कहते जब हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है ना, तो फिर लहरें उठती हैं सेवा के लिए, तन मन धन जीव कुर्बान करने के लिए आत्माएं तैयार होती हैं। अति सुख बड़ी रुको इशक तरंग अत्यंत, कहते श्री श्यामा जी को श्री राजजी महाराज अत्यंत सुख देते हैं, है ना। और श्री राजजी के हृदय में प्रेम की प्रबल तरंगे उठ रही होती हैं, प्रेम की तरंगे ही तरंगे उठती हैं, किन के लिए? श्यामा जी के लिए, क्योंकि श्यामा जी ने तो अपना सब कुछ अपने प्रीतम पे वार दिया ना, है ना सुंदर साथ जी। ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में श्री श्यामा जी उतर के आई, है ना, तो उन्होंने तो पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। मुख मीठी अपनी रूह को रसना पिलावत, कहते अपनी प्यारी प्यारी बातें करके अपनी अंगना श्री श्यामा जी को श्री राजजी महाराज सुख देते हैं, और अपनी जिप्या से प्रेम रस से भर भर के सुख देते हैं, है ना। और इतना सुख प्रदान करते हैं श्री राजजी महाराज श्यामा जी को, जिन सुखों का कोई पारावार नहीं है। और कहते हैं, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, श्री राजजी महाराज प्रेम के बस में होके ना इन ब्रह्मात्माओं की बातें सुनते हैं, क्योंकि जब प्रेम के द्वारा ब्रह्म आत्माओं के पास प्रेम कब होगा सुंदर साथ जी? कब धनी प्रेम देते हैं? जब रू तन से, मन से, धन से, जीव से अपने धनी को पाने के लिए कुर्बान होती है ना, तब धनी प्रेम प्रदान करते हैं, है ना। और जब प्रेम प्रदान करते हैं ना, तो ब्रह्म आत्माएं खेल के अंदर बैठ के जो भी बात धनी से करती है ना, तो कह रही है, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, जो तन मन धन जीव कुर्बान करेगा उन्हीं की तो बात धनी सुनेंगे, है ना। सो वचन अंदर लेके मुख सामी
बाण बोलत, कहते इन ब्रह्म आत्माओं के पहले वचनों को सुनते हैं, फिर अपने हृदय में उन वचनों को श्री राजी महाराज लेते हैं और फिर अपने मुखारविंद से उत्तर भी देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भजन की लाइन में कहते हैं, गुज बातें रो दिल की सुनते हैं वो रात और दिन, गुज बातें रो दिल की सुनते हैं वो रात और दिन, कोमल दिल है हक का रह सकते ना रूहों बिन, कोमल दिल है हक का रह सकते ना रूहों बिन, रहमत से भरे मौला रूहों के आशिक हैं, रहमत से भरे मौला रूहों के आशिक हैं, सरदार हैं सब अंग के आशिक ही जाने हैं, माशूक के शरवन अंग रूहों के आशिक हैं। राजी के कान भी रूहों के आशिक हैं, राजी की जुबान भी रूहों की आशिक है ना। तो कहते हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, बड़े प्यार के साथ अपनी ब्रह्म आत्माओं की बात को सुनते हैं, सो वचन अंदर लेके मुखसामी बाण बोलत, पहले उन वचनों को अपने दिल के अंदर लेते हैं फिर उसका जवाब अपने मुखारविंद से देते हैं और फिर क्या करते हैं, नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत। श्री राजी महाराज अपनी लाडली आत्माओं से नेत्रों से नेत्र मिलाकर अमृत रूपी रस का सिंचन करते हैं। वो अमृत रूपी रस क्या है, ये तारतम वाणी, ये चर्चा, ये रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, ये श्यामा जी की रसना है जो स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी अपनी ब्रह्म आत्माओं को पिलाते हैं। पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, होठों पे लगा के चखो तो जरा सा, होठों पे लगा के चखो तो जरा सा, पियो रे राज रस है कोई प्यासा, पियो रे प्रेम रस है कोई प्यासा। कहते तो ये नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत, ब्रह्म सृष्टि लाडली आत्माओं के साथ नेत्रों से नेत्र जब मिलाते हैं ना, पहले अपनी नजरों में लेते हैं, नजरों में लेते हैं तो फिर चर्चा में बिठाते हैं, चर्चा में बिठाते हैं तो नेत्रों से नेत्र मिला के और अमी रस सिंचत, कहते अमृत रूपी रस का सिंचन करते हैं। अपने अंग रूहे जान के नेहे नए नए उपजावत, इन ब्रह्म आत्माओं को अपनी अंगना जानकर प्रेम के नए नए भाव प्रकट करते हैं, स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी नए नए भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि ये किसकी आत्माएं हैं, ये तो मेरी लाडली आत्माएं हैं, क्योंकि वाला जी को तो और कोई काम ही नहीं है ना, क्या काम है, नेत्रों से इश्क छलकाते हैं, रसना से मीठी मीठी बातें करते हैं, और काम नहीं अपने पिया जी को लाड करें
रूहों से लाड करी रूहों से और काम नहीं अपने पिया जी को लाड करी रूहों से लाड करी रूहों से एक लाड यूनो ऐसा किया है भूल ही बैठे उन्हें भूल ही बैठे उन्हें हो बल बुद्ध उनकी हुक्म भी उनका बल बुद्ध उनकी हुक्म भी उनका आस भी उनसे रखना पिया के सन मुख रहना धनी के सन मुख रहना पिया के सन मुख रहना संग लाए हैं संग ले जाएंगे संग ले आए हैं संग ले जाएंगे ईमान कायम रखना पिया के सन मुख रहना धनी के सन मुख रहना पिया के सन मुख रहना लाडले सुंदर साजी सन्मुख रहना क्या है ये ब्रह्मवाणी चर्चा हम सुनते रहें क्योंकि धनी कहते हैं ना कि जब ब्रह्मवाणी चर्चा चल रही होती है तो धनी नेत्रों से नेत्र धनी के मिले होते हैं और अमीर सींच रहे हैं ब्रह्म आत्माओं को ये प्याला पिला रहे हैं जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए शराब तहूरा ऐसा चढ़े मानो अर्श में दिए जगाए जब कबू आवे मस्ती में कहते धनी जब अपनी मस्ती में आ जाती है ना तो एक प्याला देवे गिराए ये ब्रह्मवाणी की एक चौपाई एक प्याला अपने हृदय से गिरा देते हैं शराब तहूरा ऐसा चढ़े फिर एक चौपाई का भी ऐसा नशा ब्रह्म आत्माओं को चढ़ जाता है मानो अर्श में दिए जगाए जानो अर्श में दिए जगाए ऐसा लगता है कि धनी ने एक चौपाई से ही हमारे दिल को अपने दिल से जोड़ लिया और हम ब्रह्म आत्माओं के दिल को ये चौपाइयां ही खींच सकती हैं सुंदर साथ जी क्योंकि खेल में आके हम तो लोहा बन गए सुंदर साथ जी और धनी की ये ब्रह्मवाणी ये क्या है पारस है ना लोहा पारस लग सोना बन जांदा ए मेरा साहब अपने जेहा बनांदा ए ओ लोहा पारस लग सोना बन जांदा ए मेरा सतगुर अपने जेहा बनांदा ए अर्शो आया एता जम इलाही ए जेड़ा पी लेंदा उन्हें होश गवाई ए महफिल रूहां दी मेरे सतगुर लाई ए जेड़ा आवड़िया उनु मस्ती छाई ए आशिक बन के ते जिथे नजर टिकांदे ने जामत जाम पिला मदहोश बनांदे ने आशिक बन के ते जिथे नजर टिकांदे ने जामत जाम पिला मदहोश बनांदे ने जिसके ऊपर आशिक बन के नजर टिका ले ना हम तो सारे सोच लें कि धनी हमारे आशिक बन के आज ढाई पौने तीन वर्ष से धनी ने हमारे ऊपर नजरें टिका रखी हैं है ना नजर से ना काटी मुझे अव्वल से आज दिन क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन लाडले सुंदर साथ जी हमारे प्राण प्रीतम ने धनी ने
हम सब आत्माओं को अपनी नजरों में ले रखा है ना। और वो प्याले पे प्याला पिलाए जा रहे हैं, है ना। नजरों से तेरी जो इश्क पिया है, अरश परश सुख हमने लिया है। नजरों से तेरी जो इश्क पिया है, अरश परश सुख हमने लिया है। जाने वही जो जिसने दिया है, या जाने वो जिसने लिया है। जाने वही जो जिसने दिया है, या जाने वो जिसने लिया है। क्या चीज है तेरा इश्क भी, क्या चीज है तेरा इश्क भी, कहने में जो आता नहीं। ओ मद होश रहा करते हैं, तुमको ही चाह करते हैं। हो तुमको ही चाह करते हैं। ओ क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। हम तो कहें बिन तुम्ही से, सब कुछ पाया करते हैं। हो सब कुछ पाया करते हैं। अब समझे हम मेहरबान क्या है लाड तेरा। अब समझे हम मेहरबान क्या है लाड तेरा। ओ नियामते अरश की हमेशा, आप ही लुटाया करते हैं। हो आप ही लुटाया करते हैं। ओ क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। क्या कहना है मेरे पिया, तुम जब हो साथ मेरे। हम तो कहें बिन तुम्ही से, सब कुछ पाया करते हैं। हो सब कुछ पाया करते हैं। देखिए सुंदर साज जी कहते, नैनो नैन मिलाए के अमी रस सिंचत, अपने आप ही ब्रह्म आत्माओं के नेत्रों से नेत्र मिला के। श्यामा जी के नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं ना, तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि को ऐसा लगता है कि मैंने ही नेत्र राज्य के साथ मिला रखे हैं। जैसे राज्य महाराज श्यामा जी को देखते हैं ना, और श्यामा जी को इतनी मस्ती के साथ देखते हैं, इतने लाड के साथ देखते हैं, इतने प्यार के साथ देखते हैं ना, फिदा हो जाते हैं श्री राज्य महाराज श्यामा जी पर। तो एक श्यामा जी पर फिदा नहीं होते, किस पे फिदा होते हैं, हम सब आत्माओं पर। क्योंकि जो सुख श्यामा जी को धनी देते हैं, वो सुख हम 12,000 ब्रह्म आत्माओं को मिलता है। और श्यामा जी महारानी श्री राज्य महाराज को आधे घूंघट में से जब देखती है ना, तिरछी नजर करके, तो वाला जी का तो दिल श्यामा जी के ऊपर फिदा हो जाता है, श्यामा जी के ऊपर कुर्बान हो जाता है। जैसे तिरछी नजर से श्यामा जी महारानी धाम धनी को देखती है ना। कहते हैं अरश की रानी बहारों की मलिका, अरश की रानी पिया जी
कि मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, अर्श की रानी पिया जी की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ना हम होश में है, ना दिल होश में है, ना हम होश में है, ना दिल होश में है, नजर का उठाना गजब हो गया। अर्श की रानी पिया जी की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तभी तो कह रही है, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। जैसे श्यामा जी मुस्कुरा देती है ना पिया जी को देख के, और जैसे श्यामा जी बालाजी को देखने लगती है ना, तो पिया जी कहती हैं, ना हम होश में हैं, ना दिल होश में है, नजर का उठाना गजब हो गया। आपने जैसे ही नजर उठाई, श्यामा जी ने जैसे ही प्रीतम को देखा, क्योंकि श्यामा जी की लंबी लंबी पलके हैं, काली काली पलके हैं, सुंदर विशाल सुंदर नेत्र हैं, और तिरछी नजर से जब श्यामा जी महारानी प्रीतम को देखती है ना, तो धनी कहते हैं, ना हम होश में है, ना दिल होश में है, ना हम होश में है, ना दिल होश में है, नजर का उठाना गजब हो गया। है ना सुंदर साहब जी। तो ऐसी श्यामा जी महारानी के साथ दामदनी नेत्रों से नेत्र जब मिलाते हैं, और जब प्यार से बात सुनते हैं, तो अंगों के अंदर नया प्यार उमड़ता है। धनी जी के दिल में आता है कि मैं क्या किस अदा से इन रूहों को प्यार करूं, क्योंकि हमारे प्रीतम के अंदर, हमारे धनी के अंदर लाडले सुंदर साथ जी प्यार करने की इतनी अदाएं हैं, इतनी अदाएं हैं ना, जिसका कोई पारावार नहीं है। सुंदर साथ जी एक ही अदा से प्यार नहीं करते, है ना। एक एक शायद गाने की लाइन है, उसमें कहते हैं, अदाएं भी हैं मोहब्बत भी है, नजाकत भी है मेरे महबूब में, है ना। हमारे प्रीतम के अंदर क्या क्या होगा, है ना। हमारे धनी जब हमें श्यामा जी को देखते हैं, और हमें जब देखते होंगे, तब भी तो हमारा दिल नहीं लगता। आज सारे दिल्ली सुंदर साथ के फोन आए कि शारदा दीदी आप यहां से गए हो ना, हमारा तो बिल्कुल दिल्ली नहीं लग रहा, हमारा दिल लेके आप चले गए हो, है ना। तो दिल तो लेने वाले कौन है, है ना। हमारे दिल को लूटने का अधिकार किसको है, श्रीजी साहिब जी को, श्री प्राणनाथ जी को, है ना। हम थोड़ी किसी का दिल लूट सकते हैं, है ना। वो कहते हैं भजन की लाइन में, हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, गुम्मट वाले ने बंगले वाले ने, हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, गुम्मट वाले ने बंगले वाले ने, इलम दिया है तो इश्क भी देना प्यारे, इलम दिया है तो इश्क भी देना प्यारे, भलिया तम के देखूं धाम के निशा सारे, इलम दिया है तो इश्क भी देना प्यारे, इलम दिया है तो
इश्क भी देना प्यारे बलिया तम के देखो धाम के निशा सारे, बलिया तम के देखो धाम के निशा सारे, हमें तो प्यार सिखलाया तेरे इशारे ने, हमें तो प्यार सिखलाया तेरे इशारे ने, घुमट वाले ने बंगले वाले ने, हमें तो प्यार सिखलाया तेरे इशारे ने, हमें तो प्यार सिखलाया तेरे इशारे ने, ओ घुमट वाले ने बंगले वाले ने, हमें तो लूट लिया हमें भी लूट लिया, हमें तो लूट लिया प्राणनाथ प्यारे ने, घुमट वाले ने पंजे वाले ने। सुंदर साथ कहते हैं दीदी दिल ही नहीं लग रहा है ना, तो जब दिल खींच लेते हैं ना धनी, तब मन माया के अंदर नहीं लगता, तब दिल संसार के अंदर नहीं लगता। धन्य है वो दिल जिसको श्री जी ने जिस चित को जिस दिल को अपनी तरफ खींच लिया, और जिस दिल को अर्श करके बैठ जाए, जिस दिल को अखंड परम धाम बना के बैठ जाए, और जिस दिल के मालिक बन जाए, जिस दिल के खामद बन जाए, है ना, तो फिर उस दिल का क्या कहना है ना। सुंदर साज जी तो कहते एक श्यामा जी कोई प्यार नहीं करते, जितना प्यार श्यामा जी को धनी करती हैं, वो सारा प्यार हम सब ब्रह्म आत्माओं को मिलता है ना। सुंदर साज जी आज तो धनी ने घड़ी देखने ही नहीं दी। चलिए समय हो चुका है, आइए चौपाई दोहराए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नैनो नैन मिलाए के अमी रसिंचत, अपने अंगरूही जान के नेहे नए नए उपजावत, नेहे नए नए उपजावत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। लाइव चर्चा सुनने वाले समस्त सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और इस वाणी चर्चा को नियमबद्ध होके शेयर करना मत भूलें, सब ब्रह्म आत्माओं तक ये वाणी चर्चा फैला दें। पसरसी चौदे भवन, चौदे तबक ब्रह्मांड के अंदर धनी का इश्क, धनी का लाड, धनी का प्यार किसी भी कोने में रू बैठी है, तो वो भी इन चौपाइयों से अपने प्रीतम का प्यार पा सके, है ना। सुंदर साज जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।